इंडिया टीवी आपकी आवाज। 1 अक्टूबर को भोपाल जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। विधानसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ चुनाव पर बीजेपी की बड़ी बैठक। रायपुर में गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा ने प्रदेश नेताओं के साथ किया मंथन। छत्तीसगढ़ में गरजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा बीजेपी संविधान लोकतंत्र खत्म करने में लगी, 2024 में इन्हें सिखाना होगा सबक। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा महिला आरक्षण के नाम पर गुमराह कर रही है केंद्र, 2034 के बाद मिलेगा महिला आरक्षण। सीएम नीतीश और लालू यादव के बीच बैठक। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा। लालू यादव का मोदी सरकार पर अटैक। सांप्रदायिक ताकतें देश को कर रही कमजोर, संविधान को बदलना चाहती है सरकार। राजस्थान में मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी बीजेपी। बैठक में गुटबाजी खत्म करने की हिदायत। एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने के निर्देश। एमपी की तर्ज पर राजस्थान में भी 4 से 5 सांसदों को उतार सकती है बीजेपी। सीईसी की बैठक में ही पहली लिस्ट होगी फाइनल। मजबूती से लड़ेंगे राजस्थान चुनाव, मीटिंग के बाद बोले सतीश पुनिया, अच्छे बहुमत से जीतेगी भाजपा। राजस्थान में कांग्रेस को मिल रहे समर्थन से बीजेपी दबाव में, मंत्री प्रताप सिंह खजारी आवास का बयान। एनडीए से नजदीकियों के अटकलों पर बोले ललन सिंह, 7 जन्मों तक बीजेपी की तरफ नहीं देखेंगे नीतीश। नीतीश के लिए दरवाजे ही नहीं खिड़कियां भी बंद, ललन सिंह के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार। मनोज झा के समर्थन में उतरे जीतन राम मांझी, का आरजेडी सांसद के बयान को गलत तरीके से किया गया पेश। मनोज झा को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दिए जाने की मांग। आरजेडी ने गृह मंत्री शाह को लिखा लेटर। जम्मू कश्मीर में हार के डर से चुनाव नहीं करा रही मोदी सरकार, बीजेपी पर भड़के एनसी नेता उमर अब्दुल्ला। 2 दिन की पुलिस रिमांड पर कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा, ड्रग्स केस में हुई गिरफ्तारी। भगवंत मान मेरे खून का प्यासा, गिरफ्तार हुआ कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा का आरोप। गवर्नर से मुलाकात के बाद बोले कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा, पंजाब पुलिस ने चंडीगढ़ पुलिस से परमिशन ली थी या नहीं इसकी जांच हो। खैरा पर कार्रवाई को पंजाब कांग्रेस चीफ ने बताया राजनीतिक प्रतिशोध, कहा यह विपक्ष को डराने की कोशिश। सुखपाल सिंह खैरा पर एसआईटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई कार्रवाई, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री का बयान।